नमस्कार, मैं वार्ता में आपका स्वागत है। इन दिनों भारत में राजनीतिक दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जमकर विरोध कर रहे हैं। इनमें सबसे आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, आखिर ये नेताओं को ईवीएम का भूत डरा क्यों रहा है? देखिए, जिस तरह के मतपेटियों से जनमत निकले हैं वो किसी को भी चौंकाने के लिए भी काफी है, और जिसका पूरा राजनीतिक भविष्य और उसकी साख दांव पर लगी हो उसको डराने के लिए भी काफी है। दिक्कत यह है कि इस देश ने गठबंधन की सरकारें देखी हैं, दो दो तीन तीन सीटों की वजह से सरकारों को गिरते हुए देखा है। इसी देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता की सरकार केवल एक वोट से गिर गई थी, और उस देश में अब ऐसा 283 सीटों का प्रचंड बहुमत मिल गया लोकसभा में एनडीए को, 67 सीटों का प्रचंड बहुमत मिल गया आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, अभी 325 सीटों का प्रचंड बहुमत मिल गया भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन को जबरदस्त बहुमत मिल गया बिहार में। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं उनको देखकर लोगों को लगने लगा है कि जनता सचमुच इस तरीके से वोट कर रही है या मशीनों में कुछ खराबी हो। यदि सबसे ज्यादा विरोध अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जबकि उन्हीं केजरीवाल को दिल्ली में 67 सीटें मिली थी, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी विडंबना है और विरोधाभास है। और इसकी वजह से केजरीवाल एक ऐसे नेता बन गए हैं जिनकी खिल्ली ज्यादा उड़ रही है। दिक्कत यह है कि वो हर चीज में अगर शिकायत चिकवा ढूंढेंगे तो उनको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। अगर उनके ईवीएम मशीनों पर उठाए गए सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल ये कहते हैं कि क्या दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव उन्होंने 67-3 से जीता था, क्या उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में फर्जीवाड़ा हो, तो उसका उनके पास क्या जवाब है? क्या वो उस चुनाव को रद्द करने के लिए तैयार है? क्या वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है? क्या वो चाहते हैं कि वापस दिल्ली विधानसभा के चुनाव बैलेट से हो? अगर वो होने को तैयार है तो बाकी सबकी भी समीक्षा की जाएगी। जब आपके प्रति मतदान हो, आपको जबरदस्त प्रचंड बहुमत मिले तो सब सही है, और दूसरे को मिले तो गलत है। देखिए, इसको हमें मुद्दे को गंभीरता से समझना पड़ेगा। ये मुद्दा चाहे किसी की खिल्ली उड़ रही हो, चाहे किसी पर प्रश्न लग रहे हो, देश के सबसे बड़े आधार स्तंभ, देश की रीढ़, देश के लोकतंत्र की बुनियाद जो है वोटिंग, उसके बारे में है। और जनता जब अपना मत प्रकट कर रही है तो वो मत जैसा उसने प्रकट किया है वैसे के वैसा दर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम उस हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं जिस हिंदुस्तान में हमने कागज पर छपने वाले बैलेट पेपरों के बूथ को लूटा जाते हुए देखा है, हमने उन पर एक साथ लगातार थप्पियों के थप्पियों पे वोटों की छपाई होते हुए देखा है, हमने रात रात भर चलती हुई मतगणनाओं की दौर देखे हैं, हमने चुनावों के परिणामों के इंतजार में कटने वाली रातों के साथ तीन तीन चार चार दिन देखे हैं, और उन दिनों से निकलकर अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के युग में आए हैं, अगर हमें लगता है कि वहां कहीं भी किसी भी तरह की खामी खराबी है तो हम उसके सुधार की बात करें, बजाय इसके कि हम किसी पर आरोप लगाएं कि उसने धांधली कर दी, उसने गड़बड़ी कर दी है। आप जब दिक्कत यही है कि केजरीवाल जी इसी तरह की राजनीति करते हैं, हालांकि मायावती और कुछ नेताओं ने उसमें स्वर मिलाए क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जनाधार खोया है वो उनके लिए बौखलाहट का कारण है। पर इस मुद्दे को गंभीरता से समझें, केवल आरोपों की राजनीति करके नहीं चलेगा। आप कभी चौक में खड़े होकर देश के किसी बड़े उद्योगपति का नाम ले लेते हैं, किसी दिन चौक में खड़े होकर देश के किसी बड़े राजनेता का नाम ले लेते हैं, तीसरे दिन खड़े होकर आप किसी बड़े पदाधिकारी का नाम ले लेते हैं, और आपके पास प्रमाण कुछ नहीं होता। आप इन सारे मुकदमों को, आप इन सारे आरोपों को कोर्ट की दहलीज तक क्यों नहीं ले जाते? आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाइए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर लग चुकी है, खुद सुब्रमण्यम स्वामी इसको लेकर एक पहले लड़ाई लड़ चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की जब हार हुई थी, जब लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पीएमएन वोटिंग की दौड़ में शामिल बताए गए थे, उसके बाद जीवीएल नरसिम्हा राव जो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता, उन्होंने किताब लिखी है ईवीएम को फर्जी बताते हुए। लेकिन उनका ये भी मानना रहा है कि बात की जो तकनीक आई उसमें बेहतर सुधार था और उसमें आरोपों की गुंजाइश नहीं थी। तो यदि आप हार जाए, ये एनडीए से भी सवाल किया जाए, आप हार जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब है, आप जीत जाए तो वोटिंग मशीन अच्छी है। सबसे बड़ा सवाल जनता के विश्वास का है, चुनाव प्रक्रिया पर जनता के भरोसे का है, और अगर उसमें कहीं कोई खामी खराबी है तो उसकी जांच होना चाहिए बजाय कि आरोपों की राजनीति करने। यदि भी आरोप पहले भी लगते रहे, मतपत्रों को लेकर भी लगे हैं आरोप, बाद में अब ईवीएम को लेकर लगने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये हार के बाद जो आरोप लगाते हैं ये सब राजनीति से प्रेरित होते हैं? अभी जो भारत में चल रही है वो निश्चित तौर पर छींटाकशी की, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। मुझे लगता है कि जो ईवीएम है,
वो भारत जैसे बड़े देश में जहां पर लगातार चुनाव होते हैं, नगर पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव होते हैं, राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं और निरंतर चुनाव प्रक्रिया से हम गुजरते हैं, तो कागज के मतपत्र छपवाना, उनको पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचाना, उनकी गिनती करना एक बड़ी लंबी थकाने वाली प्रक्रिया है और उसका अगर एक बेहतर विकल्प हमारे पास है तो हमें उस विकल्प को अपनाना चाहिए और उसमें होने वाली जो खामियां है उसको दूर करना चाहिए। जैसे वीवीपैट मशीन अगर ईवीएम के साथ लगती हैं तो वो आपको उसी, तो हम कोशिश ये करें कि क्या कोई ऐसा सिस्टम तैयार हो सकता है जिससे वीवीपैट मशीनें थोड़ी सस्ती हो जाए, भी वो महंगी होना भी एक चुनौती है, तो इसलिए हर ईवीएम के साथ वो नहीं जोड़ी जा सकती, पर क्या हम उस ईवीएम के साथ ऐसा एक डिजिटल डिस्प्ले लगा सकते हैं। आजकल हम तकनीक के युग में जी रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल फोन है, इतने सारे लोग स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, तो क्या इन ईवीएम के साथ भारत के इंजीनियर ऐसा काम करें कि एक डिजिटल डिस्प्ले यूनिट अपने आप आ जाए, वो जहां पर मतदाता मत दे रहा है उसमें वो लगी रहे और वो उसको दिख जाए कि, तो अगर मतदाता को ये भरोसा मिल जाए कि जिस बटन पर उसने दबाया है चुनाव चिन्ह पर वही चुनाव चिन्ह उसको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका वोट सही जगह पड़ा है, उसके बाद सारी भ्रांतियां खत्म हो जानी चाहिए। फिर चाहे केजरीवाल लगाए, मायावती लगाए, खुद भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव में, मानी है कि अगर हर मतदाता को ये भरोसा मिल जाए, ये आश्वस्ति मिल जाए कि उसने जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहे उसे मिल गया है, तो मुझे लगता है बात खत्म हो जाती है। अभी हम सारे शंकाओं आशंकाओं के बीच में बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग का यह दावा है कि भारत की ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अमेरिका जैसे देश ने, हम ईवीएम के इतिहास को भी देखें, 1892 में हमारी आजादी के भी पहले संयुक्त राष्ट्र के जो गठन की प्रक्रिया चली थी उसके बाद एक चुनाव हुआ था, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अस्तित्व में आई। उसके बाद कई सारे अमेरिका सहित दूसरे देश हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को अपनाया और कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना के वापस 1990 तक अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाती थी, लेकिन बाद में उन्होंने ईवीएम, उसका एक बड़ा कारण यह था कि वहां की जो ईवीएम्स हैं यूरोप और अमेरिका की वो इंटरनेट से जुड़ी हुई थी और इंटरनेट हम सभी जानते हैं किस तरीके से जालसाजी का शिकार हो सकता है, छेड़छाड़ का शिकार हो सकता है, हैकिंग जो होती है। भारत की वोटिंग मशीनों को लेकर तकनीकी तौर पर हमेशा ये दावा मजबूती से किया जाता रहा है कि चूंकि ये इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं है, अपने आप में अलग है, आइसोलेटेड है और इनके सर्किट तक कोई पहुंच नहीं सकता, इसलिए ये निरापद है। लेकिन अगर किसी के पास ये दावा है कि इससे छेड़छाड़ हो सकती है तो वो उस दावे को साबित करे, अगर वो दावा साबित हो जाता है तो समूची चुनाव प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में आ जाएगी। हम इस सारी प्रक्रिया को घेरे में लाने के बावजूद भी वापस वहां नहीं जा सकते जहां से शुरू हुई थी, इसके आगे हमें ये मजबूत पुख्ता व्यवस्था करनी होगी कि छेड़छाड़, अभी सबसे बड़ी दिक्कत है कि सिर्फ आरोप है, चुनाव मशीन ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाने के कोई प्रत्यक्ष सीधे प्रमाण नहीं मिले हैं। अभी भिंड के जो अटेर के उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर जरूर जो एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था उसको लेकर कई सवाल उठे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको भी खारिज कर दिया है। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हो उसको कोई तकनीकी इंजीनियर बैठकर साबित करे कि देखिए ये ईवीएम है और इसके साथ मैंने इस तरीके से छेड़छाड़ की जो कि संभव है, तो निश्चित तौर पर सब कुछ साबित भी होगा और उसके आगे उसको सुधारने की प्रक्रिया भी होगी। यदि जी, आरोप तो ज्यादातर नेताओं ने लगाए हैं लेकिन मतदाताओं का कोई समूह इस तरह सामने नहीं आया कि छेड़छाड़ की बात की हो। वो इसलिए है कि मतदाता के लिए ये ईवीएम से एक तो वोट देना ज्यादा सहूलियत भरा है, कागज को जो हम वोट देते हैं, फोल्ड करते हैं, पेटियों में डालते हैं, उनको गिनते हैं, तो आज मतदाता के लिए भी तो ये तसल्ली भरी बात है कि वो अपना वोट देके आता है, जिस दिन गिनती होती है उस दिन सुबह 8 बजे गिनती चालू होती है और 11-12 बजे तो सारे परिणाम हमें मिल जाते हैं। हमें ये सब सुविधाएं मिली है तो हम उन सुविधाओं के साथ रहना चाहेंगे। तकनीक की अपनी कुछ खामियां होती हैं, जैसे हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हमने उस पर भी बात की थी कि जब आप डिजिटल होंगे तो निश्चित तौर पर खतरे भी होंगे, आपके बैंक अकाउंट को हैक किया जा सकता है, पर उस वजह से आपको जेब में 20,000-50,000 रुपए नकद लेके घूमने के झंझट से मुक्ति मिलेगी, उसको लूटे जाने के खतरे से मुक्ति मिलेगी और आप बेहतर जीवन की ओर जा पाएंगे। तो जो चीज बेहतरी की ओर जा रही है उसमें खामियों को सुधारने की बात होनी चाहिए, बजाय के हम उनकी खामियों का रोना रोते रहें। और खामियां भी ऐसी जिनको साबित नहीं, आपने ठीक कहा कि नेता आरोप लगा रहे, जनता नहीं लगा रही, क्योंकि नेता जो हार रहा है वो आरोप लगा रहा है, जीता हुआ आदमी तो निश्चित तौर पर कभी नहीं कहेगा, भाजपा तो कभी नहीं कहेगी साहब खराबी थी, उसको 325 सीटें मिली है, जनता ने दी है। अच्छा, जनता का भी कोई समूह ऐसा उठ के नहीं आया कि साहब हमने इनको वोट ही नहीं दिया, ये जीत कैसे गए, ये भी तो हो सकता था। तो मुझे लगता है कि अभी ये फिलहाल सिर्फ आरोप हैं, संदेह हैं, आशंकाएं कुशंकाएं हैं, ये सारी आशंकाएं कुशंकाएं हम एक तरह सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते, लेकिन जरूरी ये है कि पूरी पारदर्शी प्रक्रिया बने। वीवीपैट अगर महंगी है तो उसको सस्ता कैसे किया जा सकता है, हर ईवीएम को कैसे इस तरह की प्रणाली से जोड़ा जाए कि जिससे वोट देने वाले को तत्काल उसी वक्त पता लग जाए कि जो जिस जगह वो वोट देना चाह रहा है उसी जगह पे वोट पड़ा है, उसके बाद अगर फिर भी कहीं कोई गुंजाइश है सुधार की तो निरंतर सुधार के जरिए हम इस प्रक्रिया को और बेहतर बना सकते हैं।
जयदीप जी, अरविंद केजरीवाल के आरोप कहीं निगम चुनाव में संभावित हार का डर तो नहीं? ये एक संभावना सतत व्यक्त की जा रही है, क्योंकि दिल्ली के एमसीडी के चुनाव बिल्कुल सर पर खड़े हैं और एमसीडी के चुनावों में जिस तरह का प्रचार युद्ध तेज हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े नेताओं को उतार चुकी है और सच कहें तो अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जब 67-3 से वो जीते थे तब निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को मुंह की खानी पड़ी थी। उन्होंने किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार अचानक बना दिया था, वो खुद भी अपनी सीट हार गई थी और उसमें अरविंद केजरीवाल एक बड़े विजयी योद्धा के रूप में उभर आए थे। उसके बाद से अभी तक एक लंबा वक्फा बीत गया है और इस वक्फे में अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी खामियां खराबियां रही हैं, अच्छी बुरी, वो अब सामने आएंगी और एमसीडी निश्चित तौर पर उनके लिए सदैव से आग का तारा रहा है। भाजपा का शासन उस पर रहा और वो चाहते हैं कि दिल्ली के साथ साथ एमसीडी पर भी उनकी सत्ता कायम हो जाए, लेकिन अभी पंजाब में जैसे उनको असफलता मिली, गोवा में असफलता मिली, तो उनको ये डर सता रहा होगा कि जितने आश्वासन उनको था कि दिल्ली के साथ ही साथ एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता कायम हो जाएगी, शायद वो उतने आश्वस्त न हो, आशंकाएं उनको घेर रही हो। और एक सबसे बड़ी बात है, मैं ये कहना चाहता हूं, एक राजनीतिक विश्लेषण हम जब करते हैं, एक पत्रकारिता की दृष्टि से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो चुनावों के परिणाम हैं वो चौंकाने वाले हैं, विचलित करने वाले हैं हर उस व्यक्ति के लिए जिसको लगता है कि राजनीति में ये सब संभव नहीं है। हमारी राजनीति ने साबित कर दिया कि संभव है। वो भारतीय जनता पार्टी जो इस लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके हर पोल और बूथ पर कार्यकर्ता तक उसके पास उपलब्ध नहीं थे, उसने 73 सीटों की लोकसभा की महाविजय के बाद फिर 325 सीटों की जो विधानसभा की महाविजय हासिल कर ली है, उसने मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को निश्चित तौर पर एमसीडी के चुनावों को लेकर थोड़ा घबराया है, विचलित किया है, चौंकाया है और उनकी ये बौखलाहट उनके बयानों में साफ दिखाई दे रही है। कोशिश ये करनी चाहिए कि वो चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की बारे में बात करें बजाय कि केवल ईवीएम पर आरोप लगाने के। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे मतदान मशीनों की विश्वसनीयता की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।